ऐसे पाव लगाता हूँ ना इस पे, चू चू के आवाज करता रहता है सारे दिन। जब कुछ लोग भाई कमेंट करते हैं कि यार भैया इसको लंदन लेके जाओ, कोई कहता भाई कि इसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाओ, जा सकती है क्या लंदन ये। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। स्वागत है आपका इस नए फ्रेश व्लॉग में। काफी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे हैं और अब दिसंबर चल रहा है, इसका मतलब भाई एक प्लान हो सकता है विंटर। घर पे जो शादी थी, भाई की शादी थी, कंप्लीट कर दी है और अब अपन थोड़ी फ्री हो चुके हैं तो अब चलेंगे एक धमाकेदार विंटर ट्रिप पर। आज तक अपन ने ऐसी ट्रिप नहीं करी क्योंकि आज तक इस तरह की स्नोफॉल और मतलब लंबी चौड़ी बर्फ में अपन नहीं करी है कैंपिंग। इस बार प्रॉपर बर्फ में कैंपिंग करने वाले भाई अपन। तो अब ये ट्रिप कहाँ की होने वाली है ये तो आपको आने वाले मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में पता लग जाएगा। हालांकि इस पे व्लॉग आएंगे तब तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन होने वाली है भाई बहुत ज़बरदस्त, है ना, बहुत ज़बरदस्त। और अपनी इस गाड़ी में जो सर्विस करवाई थी तो अपन ने वो 60,000 से पहले ही सर्विस करवा ली थी, तो इसमें अलार्म जो आता है सर्विस शेड्यूल्ड वाला वो 60,000 के बाद आता है, तो अभी तक वो आ ही रहा है। वो भी अपन सेट करवाएंगे या मैं खुद रीसेट कर लूँगा, कहाँ से होता है एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। पीछे अपना जो किचन है चलो वो वापस सेटअप करेंगे यार, हैं फिर अपन यहाँ से धमाकेदार तरीके से निकलेंगे विद ग्रुप। क्वालिटी की बात करें ना यार, बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है यार, अंदर का इंटीरियर की बात करें देखो ये अपने आप घिसा रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ मेरी ऐसी पकड़ भी नहीं है। जब मैं ड्राइव करता हूँ तो यहाँ से पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी ये वाली जो चीज़ है ना ये थोड़ा सा घिस रही है, देखो घिस रही है ना। और एक यहाँ से, अब ये कैसे घिसा ये पता ही नहीं चल रहा क्योंकि अब जब ड्राइव करते हैं तो ऐसे करते हैं, अब कुछ ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है। एक जैसे कि एक पेडल है, दिख रहा होगा आपको, एक ये घिसा हुआ ब्रेक पेडल, अब ये चीज़ें हैं ऐसे घिस जाती हैं, पता ही नहीं चलता भाई। इसकी अंदर की छोटी मोटी कमियाँ तो हैं इसमें, बाकी ठीक है अंदर से आवाज़ें। अब देखो एक ये भी, जब मैं ऐसे पाव लगाता हूँ ना इस पर चू चू की आवाज़ करता रहता है सारे दिन, जब भी बैठा रहता हूँ चू चू की आवाज़ करता रहता है, तो ये थोड़ी थोड़ी कमी है भाई इस गाड़ी में। ट्रिप पर जाने से पहले आपको पता है यार गाड़ी के पूरे जो चेकअप होता है वो वगैरह अपन करवाएंगे। चेकअप पिछली बार करवाया था, उसके बावजूद अपनी गाड़ी का होस पाइप लीक हो गया था और फिर वो सारी दिक्कतें आई है धर्मशाला ट्रिप पर। अब की बार देखते हैं यार, अब की बार तो मतलब माइनस में टेम्परेचर रहेगा, -10 तक जा रहा है, ठीक है जहाँ भी जा रहे हैं आपको बताएंगे, तो वहाँ पर कैसे ये गाड़ी झेल पाएगी, क्या सरवाइव कर पाएगी भाई कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अपने जो गैजेट्स हैं वो तो लेके जाएंगे ही, जो भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं ठीक है वो सब लेके तो जाएंगे, ठीक है। इस बार शायद जम्पर भी लेके जाना पड़े क्योंकि बैटरी कभी भी बैठ सकती है वहाँ पर, बैटरी तो वैसे अपनी नई है, टायर भी अपने फर्स्ट क्लास है नए, स्नो चैन भी लेके जानी पड़ेगी भाई। इस बार खर्चा भी मोटा होने वाला है और ट्रिप भी एकदम ज़बरदस्त करने वाले हैं। अरे क्या यार, ये देखो बीच में खड़े इधर से मोड़ के लेके जाएगा, बताओ आप बताओ। इस बार तो अपने ब्रेक पैड भी नहीं है भाई, ब्रेक पैड वगैरह सब टकाटक है गाड़ी में, समस्या तो नहीं आनी चाहिए। और अपने सर्विस भी कंपनी से करवाई है तो समस्या ही तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या पता क्या समस्या आए भाई ट्रिप में। कुछ लोग भाई कमेंट करते हैं कि यार भैया इसको वर्ल्ड ट्रिप पे लेके जाओ, वर्ल्ड मतलब लंदन लेके जाओ, कोई कहता भाई कि इसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाओ भाई, क्योंकि एक भाई अपना स्कॉर्पियो है इनको लेके गए ना लंदन, तो कह रहे भाई इसको लंदन लेके जाओ। मैंने कहा पहले इंडिया तो कवर कर ले, इससे लगता है ये लंदन जा सकती है, जा सकती है क्या लंदन, ये लंदन तो जा सकती है, लेकिन अपने पास भी तो इसका पूरा सिस्टमेटिक जुगाड़ होना चाहिए ना, वो सब चीज़ों में भाई कम से कम एक साल लगती है, तो उसकी अभी तैयारियाँ एक साल लगती है, समझ रहे हो, तो वो सब कैसे करेंगे। फिर इतना बड़ा कोई प्लान नहीं है अपन, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूर की बात करें तो अपन नेपाल जरूर कर सकते हैं, इससे वो करेंगे शायद फरवरी में। अभी दिसंबर में जो भी धमाकेदार ट्रिप होने वाले भाई आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, सपोर्ट करोगे तो फिर हमें मज़ा आएगा यार। आप लोग मुझे एक चीज़ और सजेस्ट करो कि आप लोगों को जयपुर में, जैसे कि जयपुर में रहता हूँ, जयपुर की कुछ प्लेसेज एक्सप्लोर करने हैं आपको, देखने हैं तो मैं वो भी करूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। बाकी इस ट्रिप के लिए अपन तैयारियाँ करेंगे, फिर आपको मैं दिखाऊँगा आगे। इस व्लॉग में सिर्फ आपको ये अपडेट देनी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, तो ऐसे व्लॉग्स मैं शूट करते रहता हूँ, तो भाई थोड़ा मेंटेन कर लिया करो, है ना, कर लिया करो भाई, क्योंकि हर वक्त हम ट्रिप पे नहीं रह सकते यार, हर वक्त नहीं रह सकते। और आपके जो भी सजेशन है, आपके जो भी कमेंट सुझाव जो भी है भाई, आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दो, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, और पूरा व्लॉग देखने के लिए मिलते हैं अब जस्ट धमाकेदार ट्रिप पे।